नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्लेम टारगेट में आपका स्वागत है। कृपया जो लोग नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम पक्षी वर्ग यानी कि क्लास एफ्स के बारे में देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पक्षी वर्ग क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे पक्षी वर्ग या क्लास एविस क्या है। तो देख लीजिए, पक्षी वर्ग में ऐसे जंतु रखे जाते हैं जिनका शरीर पिच्छों से ढका रहता है, तथा अग्रपाद क्या होते हैं, पंखों में बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका जो अग्रपाद होता है वो पंखों में बदल जाते हैं। ठीक है, अब आइए इसके जनरल करेक्टर्स को देखेंगे। इसके जनरल करेक्टर्स क्या हैं, ठीक है, प्रमुख लक्षण को जानेंगे क्या है। तो इसका पहला लक्षण क्या कह रहा है कि इनका शरीर वातावरण के अनुकूल होता है। ठीक है, इनका शरीर कैसा होता है, वातावरण के अनुकूल होता है, तथा इसमें दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कितने जोड़ी, दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं, जबकि इसका जो अग्रपाद होता है वो पंखों में रूपांतरित होता है। यानी कि जो इसके जो है अगला पैर, यानी कि जो इसके अग्रपाद होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे इसका कह रहा है कि इन जंतुओं का शरीर धारा रेखित होता है। कैसा होता है, इन जंतुओं का जो शरीर होता है वो धारा रेखित होता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि इन जंतुओं के जबड़ों में दांत नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो दांत होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, तथा भोजन को पकड़ने के लिए हारनी चोंच पाई जाती है। कैसी चोंच पाई जाती है, भोजन को पकड़ने के लिए हारनी चोंच पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ये गर्म रुधिर वाले तथा समतापी जंतु होते हैं। कैसे जंतु होते हैं, गर्म रुधिर वाले और समतापी जंतु होते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि इन जंतुओं की अस्थियां खोखली होती हैं। ठीक है, इन जंतुओं की अस्थियां जो होती है वो खोखली होती है, जिसमें हवा भरी रहती है। ठीक है दोस्तों, कैसी होती है, इसमें हवा भरी रहती है, जो वायु में उड़ने में सहायता करती है। ठीक है, जब हवा भरी रहेगी तो वायु में क्या होती है, हल्की हो जाती है, जिससे ये उड़ने में सत्य जो है सहायता करती है। ठीक है, इसके अगले बिंदु को देखिए क्या कह रहा है कि इन जंतुओं की खोपड़ी में एक ऑक्सीपिटल कंडाइल्स होती है। क्या होती है, इनकी खोपड़ी में एक ऑक्सीपिटल कंडाइल होता है। इसमें नेत्र बड़े तथा सुविकसित होते हैं, इसमें जो नेत्र होते हैं वो बहुत बड़े जो है तथा ये सुविकसित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। कैसा श्वसन, श्वसन जो होता है, ये जो श्वसन करते हैं वो फेफड़ों के द्वारा करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि ये एकलिंगी होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, एकलिंगी होते हैं तथा अंडे देने वाले प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं, अंडे देने वाले प्राणी होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि पक्षी वर्ग अथवा एवीस के प्रमुख लक्षण, जो पक्षी वर्ग अथवा एवीस क्लास एवीस के हैं जंतु के प्रमुख, ये जो है कौन कौन से इसमें जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, कबूतर, तोता, मोर, घरेलू चिड़िया, कौवा, मुर्गा, ये सारे जो है इसमें जंतु पाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कबूतर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो पिजन यानी कि कबूतर है, इसके वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। तो इसका जो वर्गीकरण है, इसमें देख लीजिए, जगत क्या है, जगत इसका एनिमेलिया है, संघ संघ कार्डेटा है, और इसका जो उपसंघ है वर्टिब्रेटा, वर्ग इसका पक्षी, गण कोलंबी फार्मीस है, और वंश इनका क्या है, वंश इसका कोलंबा है। ठीक है दोस्तों, वंश इसका क्या है, कोलंबा है, और इसकी जो जाति होती है, जाति ये लीबिया होता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे क्या है। तो इसके बारे में ये है कि यह मानव बस्तियों में पाया जाने वाला सामान्य कबूतर होता है। कैसा कबूतर, ये जो घरों में या मानव जातियों में पाए जाते हैं, मानव बस्तियों में पाए जाते हैं, ये सामान्य कबूतर होते हैं। प्रायः पुराने मकानों, गोदामों, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, रेलवे स्टेशनों आदि में ये अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे, मंदिरों, गोदामों, मस्जिदों, गिरजाघर, रेलवे स्टेशनों में ये अपना घोंसला बनाकर वहाँ रहते हैं। मुख्यतः अनाज के दानों, फलों, घोंघों, कीड़े मकोड़े, ठीक है, जो ये कीड़े मकोड़े हैं उनका क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि इसका शरीर 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा स्लेटी रंग के परों, यानी कि जो इसका जो है
क्या होता है, शरीर होता है वो 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, स्लेटी कलर का होता है तथा ये जो है स्लेटी रंग के फीदर्स द्वारा ये ढके होते हैं, परों द्वारा ढके होते हैं, ठीक है। तथा गर्दन के चारों ओर एक हरी या बैंगनी मुद्राकार जैसी धारी होती है, ठीक है। गर्दन के पास जो है हरी या बैंगनी मुद्राकार क्या होती है, धारी होती है, ठीक है दोस्तों। ये जो है ये देख लीजिए, ये जो है कबूतर का फिगर है, ठीक है, ये पिजन है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लीजिए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि चोंच छोटी व कुछ मुड़ी हुई होती है, ठीक है। चोंच कैसी होती है, छोटी व कुछ मुड़ी हुई होती है। चोंच के आधार भाग के पृष्ठतल पर दो तिरछे बाह्य नासाद्वार होता है, क्या होता है, बाह्य नासाद्वार होता है। इसके ठीक पीछे चोंच पर एक फूली हुई सी मांसल त्वचा ढकी रहती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जो है सेरी कहते हैं, ठीक है, इसे सेरी कहते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए, आगे कह रहा है नेत्र बड़े व गोल होते हैं और नेत्रों के पीछे परों द्वारा ढके कर्ण पाए जाते हैं। जो आँख होती है इसकी, उसके पीछे की ओर क्या होते हैं, इसके पीछे की ओर जो है परों द्वारा ढके कर्ण पाए जाते हैं, यानी कि कान होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। तथा पश्चपादों में चार चार पंजे युक्त अंगुलियां होती हैं और पादों में शल्क भी पाए जाते हैं, ठीक है। पंजे में चार चार अंगुलियां होती हैं और पादों में क्या होते हैं, शल्क, यानी कि जो स्केल्स होते हैं वो इसके पादों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों घरेलू चिड़िया या गौरैया के बारे में, घरेलू चिड़िया या गौरैया के बारे में, तो देख लीजिए इसको भी। यह संसार भर में घरों में पाई जाने वाली सामान्य चिड़िया है, जो पुराने फर्नीचर, बालकनी, खिड़की, दीवारों की खोखल आदि में घोंसला बनाती हैं, ठीक है दोस्तों। ये दीवारों, खोखलों, खिड़कियों आदि में ये क्या करती हैं, घोंसला बनाती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट इसका देख लीजिए, यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा शरीर भूरे से परों द्वारा ढका रहता है, ठीक है। नर के सिर के ऊपरी भाग, गर्दन, गला, वक्ष भाग एवं चोंच का रंग क्या होता है, काला होता है, ठीक है। चोंच का रंग काला होता है तथा नर व मादा में अर्थात दोनों में उदर भाग इसके क्या होते हैं, सफेद होते हैं, इसके जो उदर भाग होते हैं वो सफेद होते हैं। ये देख लीजिए, ये जो है गौरैया का फिगर है, ठीक है दोस्तों, ये गौरैया है, जिसे घरेलू चिड़िया आप लोग भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इसकी चोंच छोटी व मजबूत होती है तथा नर हुआ मादा के रंग में काफी अंतर होता है, ठीक है। जो नर हुआ मादा होती है इन दोनों में काफी अंतर होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।